वेलकम बैक दोस्तों, मैं विश्वजीत सर और आज हम लोग वर्ष 10वीं के लिए अर्थमेटिक प्रोहेंशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जितने लोग भी जानते हैं एपी के बारे में, एपी होता क्या है, आखिरकार एपी का आया तो है कहाँ से आया है। आई मीन्स कहने का मतलब ये है कि एपी का हम लोग रूट्स पढ़ेंगे, इसका इंट्रो पढ़ेंगे, आखिरकार इसका परिचय क्या है और किस प्रकार से हम लोग एपी को बनाते हैं और एपी कहाँ तक ये किस क्लास तक यूज होता है, ये सारे के सारे डिटेल्स आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। चलिए एपी के डिटेल्स के यानी इसका बेसिक क्लासेस के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम एपी के बारे में पढ़ेंगे आगे भी। देखिए एपी जो है सबसे पहले चैप्टर आता है अनुक्रम एवं श्रेणी, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं दोस्तों, ये सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। देखिए सीक्वेंस में क्या होता है, जब संख्याएं एक विशेष क्रम में सजी होती है, विशेष क्रम मतलब समझते हैं ना, उदाहरण बताऊंगा, जब संख्याएं विशेष क्रम में सजी होती है तो ऐसे क्रम को हम लोग अनुक्रम बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 एक विशेष क्रम में सजी हुई है। इसमें एक और चीज़ है मेरे प्यारे बंधु, अनुक्रम में सही संख्याओं के अगले पद को भी ज्ञात किया जा सकता है। जो भी हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस के नेक्स्ट टर्म को भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 8 है, तो 8 के बाद क्या आएगा, आप सब में देख रहे हो अंतर कितने का है, इसका कॉमन डिफरेंस जो बोलते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस जो है 2 है, 2 जोड़ दीजिए अगले निकल जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी बढ़ा सकते हैं, आगे अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सीक्वेंस हम लोग देखने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ सीक्वेंस कितने तरह का होता है। दोस्त बहुत ही आसान है चैप्टर, बहुत ही मजा आएगा, सीखना जरूरी है आपको, क्योंकि एकदम मैं आपको जड़ से रूट से पढ़ा रहा हूँ। तो टाइप ऑफ सीक्वेंस होते हैं दो तरह का होता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमित अनुक्रम और दूसरा को बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, बोल सकते हैं वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, वैसे क्रम को फाइनाइट क्रम कहते हैं, यानी फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण आप देख रहे हो ना, इसमें पद निश्चित है, इसमें 1 से लेकर 20 तक इसके टर्म्स जो है वो फिक्स्ड है, फाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, जिस वैसा क्रम जिसमें पदों की संख्या, यानी वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, जिसको गिन नहीं सकते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, अपरिमित सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कहाँ तक आएगा और कहाँ तक बढ़ते जाएगा, इसके कोई ये नहीं है, इसीलिए इनफाइनाइट भी कहा जाता है, अनंत बोला जाता है। ठीक है ना, अब बात आती है इसी प्रकार सीरीज होता है। सीरीज का अर्थ क्या होता है, श्रेणी। सीरीज जो होता है सेम, कैसे याद करोगे, वैसा अनुक्रम यानी जिस अनुक्रम में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हो, यानी जिस अनुक्रम के पदों के बीच में प्लस और माइनस का सिंबल लगा हो, तो वैसे अनुक्रम को हम लोग सीरीज बोलते हैं। वैसे अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। कैसे, जैसे हम देखिए 2+ इस प्रकार से आपका लगा हो, तो ऐसे अनुक्रम को हम लोग सीरीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस का सिंबल लगा रहेगा। और ये भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक फाइनाइट सीरीज होता है और दूसरा इनफाइनाइट सीरीज होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा सीरीज जो है, ये सीरीज जो है श्रेणी, ये भी दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा।
श्रेणी भी दो तरह का होता है, सेम इसकी कहानी है। आप समझ सकते हो आसानी से। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीरीज, क्या लिखेंगे, सीरीज लिखेंगे और इसे हम लोग कर देंगे सीरीज यानी श्रेणी। तो इसमें क्या होगा प्यारे बंधु, कुछ खास नहीं है, इसमें क्या होगा प्लस का सिंबल लगा दीजिए, बस कोमा को हटाइए, प्लस का सिंबल लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया श्रेणी सीरीज। फिर से एक बार बताऊंगा सीरीज क्या होता है। आप बोलना कि वैसा अनुक्रम जिसमें प्लस माइनस का सिंबल लगा हो, तो वैसे अनुक्रम को, वैसे सीक्वेंस को हम लोग सीरीज के नाम से जानते हैं। और सीरीज भी यानी इस सीरीज का भी टाइप दो होता है, टाइप ऑफ सीरीज जो होता है वो भी दो तरह का होता है, जैसे में फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। ये दोनों सीरीज आप देख सकते हो। और सेम आप बोलना कि वैसा सीरीज जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे फाइनाइट सीरीज बोलते हैं, और जिसमें पदों की संख्या अनगिनत हो, अनंत हो, वैसे सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या क्लियर हुआ, सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम एवं श्रेणी। देखिए इन सारे चीजों को जानोगे दोस्त तो इन्हीं से आपका एपी आया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आपका श्रेणी है जिसे हम बोलते हैं प्रोगेंशन। श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोगेंशन बोलते हैं। और ये प्रोगेंशन करता कैसे है, देखिए प्रोगेंशन होने की तीन शर्त होती है। आप प्रोगेंशन के बारे में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, आप डिटेल्स में रूट से जानिए, जड़ से बिल्कुल सीखिए कि आखिरकार ये प्रोगेंशन होता क्या है, ये आखिर श्रेणी होता क्या है। तो श्रेणी के तीन नियम होते हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा। पहला नियम, जिसमें पौधों की संख्या जिसमें दो पौधों का अंतर एक अचर हो। श्रेणी होने के पहला शर्त क्या है, जिसमें दो, समझ रहे हो ना, बिल्कुल मन से समझना, मजा आएगा। फिर समझाते हैं, जिसमें दो पद, आप सोच रहे हो यार दो पद क्या हो सकता है, दो पद का नहीं मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, समझ रहे हो ना। तो एक पद, दो पद, तीन पद, बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो जिसमें पदों की यानी दो पदों का अंतर, जिसमें दो पदों का अंतर क्या हो, एक अचर हो। अचर चर समझते हो ना, जो एक्स वाई को हम चर बोलते हैं, और जो गिनती हमारे नंबर्स होते हैं, काउंटिंग जो होता है उसको अचर बोलते हैं। तो पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम, दो अनुपातों का, समझ रहे हो ना, दो अनु इसे कह सकते हैं, दो पदों का अनुपात जो है, दूसरा नियम है दो पदों का अनुपात भी क्या हो, अचर हो। ठीक, और तीसरा कहा जाए कि इसके दो पदों का व्युत्क्रमानुपाती, इसका इनवर्स जो हो है वो भी क्या हो, वो भी आपका एक सर्वदा हमेशा, सर्वदा हमेशा क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। अब जब अचर होगा तो ऐसे सीरीज या सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रोगेंशन। प्रोगेंशन मतलब श्रेणी दोस्त, इसी के काइंड्स होता है, आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। ये प्रोगेंशन जो होता है तीन प्रकार का होता है, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, अश्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है ना, इससे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोगेंशन, ज्योमेट्रिक प्रोगेंशन और हार्मोनिक प्रोगेंशन हम लोग के नाम से जानते हैं। और यहीं से आपकी दसवीं में पढ़ना क्या है, अर्थमेटिक प्रोगेंशन, और इसी को शॉर्टकट में कहते हैं एपी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसे बोलते हैं जीपी और इसे बोलते हैं एचपी। ये सारे के सारे आपको वर्ग 12वीं 11वीं में स्टडी करना है। आज हमको और आपको जानना है, क्या जानना है, अर्थमेटिक प्रोगेंशन के बारे में जानना है। चलिए दोस्तों अर्थमेटिक प्रोगेंशन की तरफ बढ़ते हैं।
फिर से मैं आपको एक बार बोलूँगा दोस्त, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि इसी प्रकार के वीडियो देखना, तो मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना और बेल आइकन को दबाना भी मत। अगर चाहते हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वीडियो अच्छी लगे, आप तो सीख रहे हो ना, अपने दोस्तों को भी सिखाओ कि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दोस्त, एग्जाम के दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, आई एम टीचिंग यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज, द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ सीरीज। आफ्टर देन वी आर लर्न अबाउट द प्रोग्रेशन एंड प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग जाने, और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीनों प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग सीखे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। तब तक के दोस्तों ये हमारा पार्ट वन वीडियो रहेगा, और वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, जो भी हमारे दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत ही एकदम जीरो लेवल से समझ लो एडवांस लेवल की तरफ जाए। मैथ में ऐसे ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि आपको लगेगा नहीं वास्तव में मैथ हम सीख रहे हैं, रट नहीं रहे हैं। मैथ्स रटने वाली विषय नहीं होती है दोस्त, आप जानते हो कि मैथ्स क्या होता है, ठीक है ना, मैं बताऊँगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए कॉमेंट में जरूर लिखना वीडियो कैसे लगी, और कॉमेंट में जरूर लिखना है। जय हिंद।